दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक छोटी सी वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बातें करने वाले एनहेंसमेंट टाइप मॉस्फेट के बारे में की। दोस्तों ये एनहेंसमेंट मॉस्फेट क्या होता है, क्योंकि दोस्तों यदि आप मॉस्फेट को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो इसके सभी टाइपों को आपको समझना अनिवार्य यानी कंपलसरी है। तो दोस्तों एनहेंसमेंट मॉस्फेट क्या होता है, देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने एक सिम्बॉल बना रखा है मॉस्फेट का। दोस्तों ये एनहेंसमेंट मॉस्फेट का सिम्बॉल है जो कि एन चैनल का सिम्बॉल है। तो दोस्तों एनहेंसमेंट में चाहे एन चैनल हो या पी चैनल एक ही प्रकार से काम करते हैं। फर्क बस इतना होता है कि ये गेट पर प्लस वोल्टेज लेता है और वो गेट पर माइनस वोल्टेज लेता है। दोस्तों एनहेंसमेंट मॉस्फेट क्या होता है कि दोस्तों जैसे ही आप इसके गेट पर वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो दोस्तों जो आपके गेट से सॉरी सोर्स से जो ड्रेन की ओर वोल्टेज जाते हैं, मान लीजिए यहाँ से आपने 12 वोल्ट दिए तो दोस्तों जो भी आपके यहाँ पर वोल्टेज आ रहे हैं दोस्तों वो कम ज़्यादा होते हैं गेट के वोल्टेज के मुताबिक। तो दोस्तों इसी प्रकार के मॉस्फेट को हम एनहेंसमेंट मॉस्फेट कहते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पर 5 वोल्ट दिए तो दोस्तों आपको शायद यहाँ पर 6 या 5 वोल्ट देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों जो हमारा एनहेंसमेंट मॉस्फेट होता है इसी प्रकार का होता है। और दोस्तों यदि आप यहाँ पर माइनस वोल्टेज यानी पी चैनल की बात करें तो दोस्तों आपको यहाँ पर माइनस वोल्टेज देना होगा। देखिए दोस्तों ये प्लस होता है, आप इस पर प्लस वोल्टेज देते हैं एनहेंसमेंट एन चैनल मॉस्फेट पर। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, जब तक के लिए यू हैव ए नाइस डे।